हेलो, वेलकम टू एडिटिंग शिक्षा द्वार यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एडिटिंग शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम अब तक हम देख रहे थे कलाम सीरीज को। कलाम सीरीज क्या थी कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 11th साइंस के, जामिया बीएड के, एमए बीएड के, और आगे भी करते रहेंगे। कलाम सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों के कंप्लीट नहीं हुए थे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि 11th क्लास का 2023 का पेपर अपलोड हो चुका है कलाम सीरीज के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो चुके हैं। अब उसी कलाम सीरीज को फर्दर जो है, कलाम सीरीज जब कंप्लीट होगी या उसके साथ साथ ही हम देखेंगे कलाम बैच लॉन्च होगा। कलाम बैच के अंदर जो कंटेंट है, अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद जो है एज अ कॉम्पिटिशन उसकी तैयारी करेंगे, जैसे कि आप लोग, जो पूरा तरीका है। आइए देखते हैं। आप लोगों को पता है जितने भी बैच इस साल लॉन्च होने वाले हैं 2024 एंट्रेंसेस के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए जितने भी बैच लॉन्च हो रहे हैं वो अंडर द बैनर ऑफ कलाम बैच लॉन्च होंगे, ठीक है? आप लोग बखूबी जानते हैं कलाम सर को। उसके बाद इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अब किस चीज का सिलेबस डिस्कशन करेंगे? हम 11th साइंस का, एमई का जो पेपर आता है, 11th एंट्रेंस साइंस का जो पेपर आता है, उसके अंदर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है जो कि मैं कवर करूंगा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो फिर अब इस वीडियो में फिजिक्स वाला जो सिलेबस डिस्कशन है, फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसको हम देखेंगे, ठीक? अब पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स आती कितने नंबर की है, ठीक? टोटल साइंस जो आती है बच्चों, वो कितने नंबर की आती है? साइंस जो आती है, सॉरी, साइंस जो आती है वो आती है 50 नंबर की। आउट ऑफ 100 50 नंबर की क्या आती है? हमारी साइंस आती है। अब इस साइंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आउट ऑफ 50, इस 50 में से, या आउट ऑफ 50 तकरीबन 16 to 18 मार्क्स, कितने? 16 to 18 मार्क्स के लिए हमारी क्या पूछी जाती है? फिजिक्स पूछी जाती है। 16 से 18 नंबर के लिए क्या पूछी जाती है बच्चों? फिजिक्स पूछी जाती है। चलिए अब देख लेते हैं फिजिक्स में, उस फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, कितने चैप्टर पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जैसे बुक्स में वो, और कॉम्पिटिशन में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, किस लेवल तक के पूछे जाते हैं, आइए उस सबको देखते हैं। आप लोग ये समझिए कि फिजिक्स के अंदर टोटल, जैसे मैथमेटिक्स में हमने देखा बेसिक जो है वो बेसिक जो बनाता है, आइडिया लेता है, बेसिक आइडिया मैथमेटिक्स का, वो सिर्फ क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेता है। लेकिन साइंस के अंदर, या कह लें फिजिक्स के अंदर, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासेस की फिजिक्स को पूछता है, दोनों क्लासेस की साइंस को पूछता है। अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो शुरू के 6 चैप्टर है साउंड तक, ये है क्लास 9th के, ये कहाँ के बच्चे? क्लास 9th के चैप्टर हैं, ठीक? और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर जो है ये कहां से हैं? ये है क्लास 10th के, हाई स्कूल के ये चैप्टर हैं, ठीक? आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। 9th क्लास में पहला चैप्टर मोशन, दूसरा चैप्टर फोर्सेस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन, देन फोर्थ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, देन फिफ्थ चैप्टर फ्लोटेशन जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आइए एक एक करके देखिए, देन फाइनली साउंड। ये है चैप्टर किस क्लास तक के? 9th क्लास तक के ये चैप्टर हैं, शुरू के 6 चैप्टर। उसके बाद क्लास 10th के चैप्टर्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, पहला चैप्टर। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन लाइट जिसके अंदर रिफ्लेक्शन भी और रिफ्लेक्शन मतलब मिरर्स भी और लेंसेस भी दोनों, देन फाइनली उसके बाद ह्यूमन आई, अगला चैप्टर कौन सा? ह्यूमन आई का, और जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, है ना, वो सब अभी देखेंगे हम, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और फाइनली सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये टोटल तकरीबन 11 चैप्टर बनते हैं, इन 11 चैप्टर से टोटल जो है 16 to 18 मार्क्स की फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक? तो टोटल हम कितने, 16 से 18 मार्क्स की फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है बच्चों, हर साल। अब सबसे पहला चैप्टर है क्लास 9th का मोशन। अब मोशन के अंदर क्या क्या आता है? मोशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, देन इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो इक्वेशन हैं तीनों, है ना, और ग्राफ जो है, ग्राफ कौन कौन से हैं बच्चों? डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम,
इसके अलावा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ये जो सारे ग्राफ हैं। उसके बाद मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलेरेटेड मोशन, है ना, ये सारे के सारे जो है मोशन पहले चैप्टर के अंदर आते हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, है ना। उसके बाद टाइप ऑफ मोशन हो गए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का, देन फाइनली जो ग्राफ जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पहले चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। और अगर हम देखें एक रेशियो कि हर साल मोशन से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन दो सवाल मोशन से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, दो सवाल जो है मोशन से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल सवाल आएगा ही आएगा, एक ना एक सवाल तो हम देखेंगे। उसके अलावा अगला चैप्टर पे आते हैं, फोर्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अब फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या है, सबसे पहले न्यूटन के जो तीन लॉ हैं, न्यूटन के जो तीन लॉ हैं, ठीक है, वो तीनों के तीनों लॉ न्यूटन के। उसके बाद फोर्स का क्राइटेरिया, देन मोमेंटम का क्राइटेरिया, देन इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर आते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी हम कह सकते हैं प्रेशर का जो क्राइटेरिया है, वो भी इसी चैप्टर में। तो ये सारे के सारे हम इसके अंदर देखेंगे बच्चों, ठीक। और मोमेंटम के अंदर हम मोमेंटम को डीपली पढ़ेंगे, जो कि हमें आप लोगों को पता होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। एक बुलेट जो है फायर हो रही है गन से, वो सारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन है, तो वो सब भी इसी के अंदर आएगा। अब बात आती है ग्रेविटेशन की, ठीक। अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में हम कंडीशन देखेंगे फ्री फॉल की, ठीक। उसके अलावा जो तीनों इक्वेशन है मोशन की, जो तीनों इक्वेशन है मोशन की, उनको हम ग्रेविटेशन के फॉर्म में या फिर हाइट और हाइट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारा का सारा आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसके फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में हम देखेंगे। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी, उसको हम देखेंगे, और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को भी इसी चैप्टर में देखेंगे। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक, ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर हम देखेंगे। अब आप लोगों को पता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तकरीबन दो सवाल हम इससे देखेंगे, एक से दो सवाल हर साल इससे पूछा जाएगा। इसी तरह ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक सवाल इससे देखेंगे। देन अगला चैप्टर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क के जो फॉर्मूले है हमारे, ठीक है, वर्क टाइप ऑफ वर्क, है ना, हम सारा का सारा इसके अंदर देखेंगे। वर्क को बेसिक डेफिनेशन क्या है, वर्क डिफाइन कैसे करते हैं, फिर वर्क को फॉर्मूले में कैसे, वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज़ टू F इनटू S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, तो उसी से हम वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क क्या चीज है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जीरो वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है या नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। उसके बाद बात आती है एनर्जी की, तो हम एनर्जी को बेसिकली देखेंगे। एनर्जी जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम एनर्जी को देखेंगे, ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको भी देखेंगे, और इसी के बाद पावर को भी हम देखेंगे, ठीक है। एनर्जी पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी जो है एबिलिटी टू डू वर्क, उल्टा बोल दिया, पावर जो है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क है, और एनर्जी जो है एबिलिटी टू डू वर्क है। तो इन तीनों चीजों को, वर्क को एनर्जी को पावर को, हम इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब अगला चैप्टर है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है हमारा, है ना। उसके बाद थ्रस्ट है, थ्रस्ट और प्रेशर, फिर से
इन व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज इन लिक्विड, जो सवाल है बायोन्सी वाला जो कॉन्सेप्ट है, बायोन्सी देख लीजिए, बायोन्सी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम फ्लोटेशन, कोई अलग से चैप्टर तो है नहीं लेकिन उसी टॉपिक के, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में, जो फोर्थ वाला चैप्टर है उसी के अंदर हम हैं। तो फ्लोटेशन को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है हमारा थ्रस्ट है, बायोन्सी वाला प्रिंसिपल है, इस सबको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर हम फ्लोटेशन से कहें तो इससे भी एक सवाल हम मानेंगे, और वर्क एनर्जी एंड पावर से भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब से भी हम मानेंगे कि दो सवाल पूछे जाएंगे। तो फाइनली साउंड, साउंड में जो सोनार वाला कॉन्सेप्ट है, साउंड एक फॉर्म है एनर्जी की, ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की, तो स्पीड ऑफ साउंड है ना, एनर्जी किस तरीके से, नेचर ऑफ साउंड एनर्जी किस तरीके की एनर्जी है, ये सब हम देखेंगे। नेचर ऑफ साउंड है, इको वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक, उसके अलावा सोनार किस पे काम करता है, ये सब चीजें हम साउंड चैप्टर के अंदर देखेंगे। हर साल रेगुलरली साउंड नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि साउंड से एक आध सवाल पूछ लेगा। ठीक है, देन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक, यहां तक हो जाती है हमारी नाइन्थ क्लास की फिजिक्स कंप्लीट। ठीक, इसके बाद टेंथ क्लास की फिजिक्स पे आते हैं हम। टेंथ क्लास की फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोगों को पता है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पहला कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का, या कहें कि सबसे पहले शुरू होगा चार्ज से, चार्ज से, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन करंट, उसके बाद रेजिस्टेंस। ठीक, फिर रेजिस्टेंस को देखेंगे हम, रेजिस्टेंस इन, रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसको हम देखेंगे, किस किस में, पैरेलल और सीरीज। उसके बाद एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हमारे घर में बिजली आती है उसका जो कंजम्पशन है, उसकी जो कमर्शियल यूनिट है उसको हम देखेंगे, पावर कंजम्पशन कह लीजिए आप, तो पावर कंजम्पशन इसको भी देखेंगे। देन फाइनली कंजम्पशन, और देन फाइनली हीटिंग इफेक्ट, ये कहें हम जूल्स लॉ। ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक और आता है कि कनेक्शन इन हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स में हम कैसे कनेक्शन करते हैं, सीरीज और पैरेलल को हम उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर जो है, इन सब की यूनिट चार्ज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, करंट की, इन सब की यूनिट हमको देखेंगे। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी रह गया, ठीक, रेजिस्टिविटी है, ये सारी की सारी चीजें हम जो है इसी चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखेंगे, और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट कहां से शुरू होता है, हम पहले इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जब, जैसे कि आप लोगों को पता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक, वो अपने अराउंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसी इफेक्ट को हम जो है जितने एरिया में करेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होगा सबसे पहले, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की किसी इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, अब यही फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से, बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, सेम मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनोइड। ठीक, अब इसी के थ्रू हम जो है फ्लेमिंग के रूल पढ़ेंगे हम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ठीक है, उसके अलावा थंब रूल पढ़ेंगे हम स्टेट कंडक्टर में पता करने के लिए। ठीक, इसके अलावा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसमें जो है इसके एप्लीकेशन देखेंगे जनरेटर में और इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अंदर है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में, ठीक। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में EMI लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी देखेंगे। देन फाइनली जब हम जनरेटर पढ़ेंगे तो हम AC और DC के बीच में जो उनके एडवांटेजेस हैं और जो उनके बीच में कंपैरिजन है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में, उसको भी देखेंगे। देन अगला चैप्टर आ जाता है लाइट का। लाइट में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले लाइट एक फॉर्म है फिर से एनर्जी की, तो लाइट का नेचर पढ़ेंगे, ठीक है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है उसको हम देखेंगे, नेचर देखेंगे सबसे पहले लाइट का, एनर्जी की फॉर्म है। देन हम लाइट के फिनोमिना देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन में अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर, उसके बाद कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इनके जो रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर से जितने भी रे डायग्राम बनेंगे वो हम देखेंगे, कॉनवेक्स मिरर से जो जितने भी रे डायग्राम है उसको हम देखेंगे, ठीक है बच्चों, कॉनवेक्स मिरर से जो रे डायग्राम है उसको भी हम देखेंगे। देन इनके एप्लीकेशंस देखेंगे, कॉनवेक्स मिरर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कॉनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इन सबको हम देखेंगे। मिरर ये हो गए, फिर मिरर फॉर्मूला जो है हमारा उसको हम देखेंगे, और मिरर फॉर्मूला के अंदर ही हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है बच्चों, लेंस के अंदर। तो लेंस देखेंगे हम कौन कौन से, कॉनवेक्स लेंस भी देखेंगे और कॉनकेव भी देखेंगे। कॉनवेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, अब इनसे जो रे डायग्राम बनेंगे, इनके जितने भी कंडीशन है रे डायग्राम उन्हें देखेंगे, फिर इनके एप्लीकेशन देखेंगे, कॉनवेक्स लेंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कॉनकेव लेंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। देन अगला चैप्टर आ जाता है, अगला चैप्टर क्या है बच्चों, अगला चैप्टर है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का। अब ह्यूमन आई के अंदर में हम पहले ह्यूमन आई को पढ़ेंगे अच्छे से, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि आंख देखती कैसे है ना, मैकेनिज्म या कह लें हम प्रोसेस जो भी है हमारा देखने का उसको हम देखेंगे। एक सेकेंड, ठीक, मैकेनिज्म कह लें या आप प्रोसेस कह लें जो भी है, ह्यूमन आई देखती कैसे है, मैकेनिज्म कैसा है उसको, है ना, प्रोसेस क्या है पूरा, पार्ट्स जो है ह्यूमन आई के जितने भी हैं, कॉर्निया है, आयरिस है, पीपिल है, रेटिना है ना, आईबॉल है, इन सबको हम देखेंगे। उसके बाद बात आती है कलरफुल वर्ल्ड में, कलरफुल वर्ल्ड में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन सबसे उसको हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रेनबो का फॉर्मेशन है, ठीक है, और अर्ली सनसेट और सनराइज है, अर्ली सनसेट एंड सनराइज है, और सन का कलर है एट सन कलर एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, सूरज लाल क्यों होता है जब उगता है और डूबता है, तो सूरज लाल क्यों होता है उसको हम नेचुरल फॉर्मूला जितने भी है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रिज्म के थ्रू हम इन सबको पढ़ते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, प्रिज्म भी इसी में आएगा, प्रिज्म है, ठीक है, स्कैटरिंग है लाइट की जिन पे एक सारे के फॉर्मूला काम करते हैं, इन्हीं पे डिस्पर्जन है, और मैंने एक आपको बता ही दिया क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी चैप्टर बच गया क्या, कौन सा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो भी टाइप्स है एनर्जी के उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पढ़ेंगे, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो टाइप है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब एनर्जी कौन कौन सी पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल से जो हमारी एनर्जी आती है वो देखेंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी देखेंगे, टाइडल एनर्जी देखेंगे,
देन विंड एनर्जी देखेंगे, थर्मल एनर्जी देखेंगे, जो भी डिफरेंट टाइप्स की मोटी मोटी जो यूनिट है एनर्जी के टाइप्स है उन सबको हम इसके अंदर देखेंगे और इनके एप्लीकेशन देखेंगे, कौन सी एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है उनको हम देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके की एनर्जी बायोगैस है हमारा, ठीक है। ये सारे के तरीके की जो एनर्जी है इनको हम देखेंगे और इनका जो एप्लीकेशन है उसको हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए एक बार फिर से इनकी मार्किंग देख लेते हैं कि मोशन कितने हमने माना, दो नंबर तकरीबन। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एक से दो नंबर। देन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में एक नंबर, एक या दो नंबर। वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर से दो नंबर। फ्लोटेशन से हम एक नंबर मान लें, ज्यादा हो सकता है आ जाए सवाल। साउंड जो तो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे कि एक नंबर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके आगे स्टार लगा देना। मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, देन फ्लोटेशन है, ठीक है। अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो से तीन नंबर के सवाल, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट से भी एक से दो नंबर हम मांग सकते हैं, ठीक। उसके बाद लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तीन से चार सवाल, ठीक। उसके बाद ह्यूमन आई, फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर। ह्यूमन आई से नहीं पूछेगा तो कलरफुल वर्ड से पूछेगा, ठीक है। और ह्यूमन आई में डिफेक्ट रह गए हम लोग, है ना। ह्यूमन आई के अंदर जितने भी विजन के डिफेक्ट हैं वो भी हम देखेंगे और उनका करेक्शन क्या है। विजन डिफेक्ट एंड करेक्शन, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। हम मान सकते हैं दो नंबर। और सोर्स ऑफ एनर्जी कभी कभी पूछे जाने सवाल, मान लीजिए हमने एक नंबर जो है इससे पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं। पहली बात तो मैं बता दिया आपको, या 11 चैप्टर हैं, 9th और 10th मिला के। अब इनमें से कौन सा ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको स्टार के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने नंबर उसमें से पूछे जाते हैं हर साल वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हर चैप्टर तकरीबन देखो पढ़ने, ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। सारे चैप्टर हर साल एक नंबर से तो पूछ ही रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध चैप्टर छूट जाए, वरना हर साल एक या दो नंबर का तो पूछ ही जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं वो सब हमने देख लिए। जैसे मैंने मोशन में आप लोगों को बताया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, टाइप ऑफ मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये सब चीजें हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के लॉ है, फोर्स है, मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इनर्शिया है, ये सब चीजें हैं, है ना। देन ग्रेविटेशन में फ्री फॉल है, इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन मोशन है, न्यूटन की जो इक्वेशन है वो हाइट के करस्पॉन्डिंग जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है वो सब चीजें हैं। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। उसके अलावा वर्क एनर्जी एंड पावर में आ जाए तो वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये सब जो है इनका एप्लीकेशन जो है हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर में। टाइप ऑफ वर्क है, नेगेटिव वर्क डन है, जीरो वर्क डन है। देन फ्लोटेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, थ्रस्ट एंड प्रेशर है, बायोएनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब चीजें। साउंड मैंने आपको बताया दिया नेचर कैसा है, साउंड एक फॉर्म एनर्जी का, उसका नेचर कैसा है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ साउंड, इको, सोनार, ये सब चीजें हम साउंड के अंदर पढ़ेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आप लोगों को बताया चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, है ना, और सर्किट है पूरे जो है जितने भी सर्किट में कंपोनेंट होते हैं वो सब चीजें हम देखेंगे। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन है। देन कनेक्शन इन हाउस होल्ड है, पावर है, पावर कंजम्पशन, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ जो है हमारा, वो सब चीजें। मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो आप लोग देख सकते हैं। सारा मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोगों को जो भी सब टॉपिक है उनको बता दिया। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा कौन सा ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है तकरीबन, हर साल हर सवाल एक सवाल तो पूछे जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, सारे चैप्टर पढ़ने, लेकिन फिर भी कि आपको बेसिक आइडिया क्या क्या पढ़ना है इनके अंदर वो सब कुछ समझ में आया होगा। या फिर हम ये कह लिए क्या क्या पढ़ना है, या फिर ये कह लिए कि जो कलाम बैच के अंदर जब भी बैच लॉन्च होगा तो क्या क्या हम कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, वो सब चीजें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है बच्चों। आइए अब फीस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बैच लेने के लिए करना क्या है, एरियलिंग शिक्षा द्वारा का यूट्यूब चैनल जो है उसी के, ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी किसी वीडियो के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एरियलिंग शिक्षा द्वारा लोगो आप देख सकते हैं, ये लोगो है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और इस पर क्या करिए, रजिस्टर करिए, इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करिए। अब फीस के बारे में आपको बता दूं, 11th की जो बैच शुरू होने से, अनाउंस तो आप लोगों बैच हो जाएगा, लेकिन बैच शुरू होने से पहले अगर आप फीस को इतनी बैच को परचेज करते हैं तो बैच आपको पड़ेगा 6,499। इसकी एक्चुअल प्राइस है 7,999, लेकिन अगर आप बैच शुरू होने से पहले बैच को परचेज करते हैं तो 6,499 का पड़ेगा।
आप इस पे फर्दर 500 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। कैसे? सुहेल 10 कूपन कोड इस्तेमाल करके आप इस पे फर्दर 500 रुपीज का परचेज कर सकते हैं। तो आपको इसमें से 500 रुपीज कम हो जाएंगे, तो आप ये कह लीजिए 6000 का आपका बेस्ट पड़ेगा या 5999 का पड़ेगा, जो कि कितना है 6000 रुपए है, उसको आप वो आप लोगों को पड़ेगा। अगर आप 11th आर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स वाला आप पोर्शन आप लोग हमसे मुझसे देखेंगे। तो उसकी फीस कितनी है 5499 रुपीज उसकी फीस है। उस पर भी आप फर्दर सुहेल 10 कोड इस्तेमाल करके इसको भी 4999 में परचेज कर सकते हैं। ठीक, कब तक 5499 कब तक है? ये जब तक है जब तक बैच शुरू नहीं हो रहा, बैच अनाउंस हो जाएगा जल्दी, कोई भी डेट एक डेट फिक्स की जाएगी, उस डेट से पहले पहले बैच शुरू होने से पहले पहले अगर आप परचेज करते हैं तो 5499 उस पर फर्दर ऑफ ले सकते हैं हम 500 रुपीज का। अब 500 अभी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 11th साइंस का जो कलाम बैच है या 11th आर्ट्स का जो कलाम बैच है 11th एंट्रेंस का, उसी पे आप जो है 500 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। आप किसी भी बैच पे कलाम बैच कोई भी किसी भी कलाम बैच पे आप 500 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। कैसे? आप किसी भी बैच को परचेज करें, सुहेल 10 कूपन कोड इस्तेमाल करें, आप उसको ले सकते हैं। ठीक, और कौन कौन से बैच हैं आप लोगों के लिए बता दूं मैं। इसके अलावा 11th साइंस का 11th एंट्रेंस जो है 11th का, जिसमें साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज वाला जो पोर्शन है, उसके अलावा एएमयू का बीएड है। ठीक, एएमयू का इंटीग्रेटेड बीएड है। इंटीग्रेटेड बीएड कौन सा? जो बीए बीएड बीएससी बीएड एएमयू ने 4 साल वाला शुरू किया पिछले साल से, वो जो वाला पोर्शन है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। उस पर भी 500 रुपए और फर्दर ऑफ पा सकते हैं। कैसे? सुहेल 10 इस्तेमाल करके। अभी इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 6999। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 6999। अगर आप ये बैच शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, अगर आप 1 जनवरी से पहले पहले बैच को परचेज करते हैं तो इस पे फर्दर आपको 1500 रुपीज का ऑफ मिलेगा। उस पे भी आप 500 रुपीज का, और मतलब आप कह सकते हैं टोटल 2000 रुपीज का डिस्काउंट ले सकते हैं टिल 1 जनवरी बाय यूजिंग कूपन कोड सुहेल 10। एमी इंटीग्रेटेड वाला जो है उसकी भी सेम फीस है 6999। अब जामिया बीएड में फीस है 7999। इस पे भी आप 31 दिसंबर तक पहले पहले लेके आप कर सकते हैं। 1 जनवरी से पहले पहले बैच शुरू हो रहा है तो 1 जनवरी से पहले पहले अगर आप लेते हैं तो इस पे 1500 रुपीज और ऑफ मिलेंगे, और सुहेल 10 कूपन कोड इस्तेमाल करके आप जो है 500 रुपीज का फर्दर डिस्काउंट ले सकते हैं। सेम इसी तरह जामिया डीएलएड की फीस कितनी है? 6999। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, उन टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का हर चैप्टर रहा है, कितनी कंसिस्टेंटली वो चैप्टर पूछा जा रहा है हर साल, कितने नंबर का कौन कौन से टॉपिक उसमें से पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब ये जो बैच है, जो बैच अनाउंस हो रहा होगा कलाम बैच है। अब इस बैच के साथ साथ जितने भी बैच अनाउंस होंगे, चाहे वो जामिया बीएड का हो, एएमयू बीएड का हो, एएमयू इंटीग्रेटेड बीएड हो, या कॉम्बो बैच जो है हमारा जामिया और एएमयू के लिए कॉम्बो जो बैच है उसके लिए, कोई भी बैच हो, एएमयू का 11th एंट्रेंस का बैच है या फिर एएमयू का ह्यूमैनिटीज का बैच है, जामिया डीएलएड का बैच है, आप कोई भी बैच परचेज करते हैं तो उस पर कूपन कोड सुहेल 10 इस्तेमाल करके आप फर्दर 500 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। जितने का वो बैच है वो तो उतने ऑफ हो ही रहे हैं, डिस्काउंट तो है ही चल ही रहा है, उसके अलावा फर्दर 500 रुपीज का और आप डिस्काउंट ले सकते हैं बाई यूजिंग कूपन कोड सुहेल 10। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और जल्द बजल बैच पर ऐप पर रजिस्टर करिए, और बैच जैसे अनाउंस होता है आप उसको परचेज करिए। अल्लाह हाफिज़।